हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्त? 14 मई, शादियों की धूम रहने वाली है, मंदिरों में लॉकडाउन है, नहीं तो बहुत भीड़ दिखती, और सोने चांदी की मार्केट भी खूब चमकने वाली है। वजह है अक्षय तृतीया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न माधव समो मासो, न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थम गंगायाम समम। वैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, यानी कि अक्षय तृतीय आखा तीज जिसे कहते हैं। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वैसाख माह के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, अक्षय तृतीय के समान कोई तिथि नहीं है। वैसाख माह की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीय के कारण ही अक्षुण्ण मानी जाती है। और इस दिन इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और भविष्य पुराण कई पुराणों में बताया गया है। अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, और इस दिन कोई भी अबुझ मुहूर्त होता है, कोई भी किसी पंडित से कोई मुहूर्त निकलवाए बिना आप कोई भी विवाह हो, गृह प्रवेश हो, व्यापार हो, उद्योग का आरंभ करना हो, ये आप कर सकते हैं, अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अपने नाम के अनुरूप ही शुभ फल प्रदान करती है अक्षय, यानी कभी ना क्षय होने वाला पुण्य की प्राप्ति कराती है। और अक्षय तृतीय पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, चारों धामों में भगवान श्री बद्री नारायण के पट भी आज ही के दिन खुलते हैं। और अक्षय तृतीय को ही साल भर में सिर्फ एक दिन श्री हरि के विग्रह यानी चरणों के दर्शन वृंदावन में श्री बांके बिहारी के आज के ही होते हैं। इस दिन ये कहा जाता है धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था, और विष्णु भगवान का छठा अवतार रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पुराणों का जन्म भी अक्षय तृतीय को ही हुआ था, और सतयुग के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है, इसलिए कृत युग आदि तिथि भी इसे हम कहते हैं। और अगर अक्षय तृतीय रोहिणी नक्षत्र में आती है तो इस दिन की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। किसानों में ये लोक विश्वास है कि यदि स्थिति को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा, पीछे होगी तो उपज अच्छा नहीं होता। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, कहते हैं कि रविवार को सबसे सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होती है, अक्षय प्रभाव रखने वाली होती है, और इस दिन तो शुक्रवार को है, 14 मई को है। इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और इस दिन वृषभ राशि में सूर्य बुध के संयोग से बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग यानी करियर के लिए सभी के लिए बहुत खूबसूरत योग है, और शुक्र स्वराशि वृषभ में होने वाले हैं, चंद्रमा उच्च राशि में होंगे, और चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ ही है, इसलिए अक्षय तृतीय पर इस बार महाधन योग बन रहा है। दोस्तों, अक्षय तृतीय की तिथि का आरंभ 14 मई को सुबह 5:38 से होगा, और तृतीय तिथि का समापन 15 मई को सुबह 7:59 तक है। और पूजा मुहूर्त जो लोग भी करना चाहते हैं वो सुबह 5:38 से लेकर दोपहर को 12:18 तक पूजा कर लें, यानी कि 6:40 का समय है। अक्षय तृतीय पर चंद्रमा का शुक्र के साथ शुक्रवार को वृषभ राशि में जो गोचर हो रहा है, ये धन हो, समृद्धि हो, निवेश हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत शुभ फलदायी है। विशेष रूप से शाम के समय मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रमा, और इस समय मिथुन राशि में मंगल का संचार हो रहा होगा, और मिथुन राशि में यहाँ आने से धन योग का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए स्थायी संपत्ति भी आप खरीदना चाहते हैं, कहीं ज़मीन मकान की खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी बहुत शुभ होगा। कोई भी नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, और पुण्य का निवेश से मतलब है कि जो लोग पुण्य फल पाना चाहते हैं, सिर्फ पैसे का फल नहीं, जो लोग पुण्य फल पाना चाहते हैं उनके लिए भी अनेक जन्मों तक उन्हें धन ऐश्वर्य मिले, इसलिए इस दिन आप अपने समय को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करें, दान पुण्य करें, अनंत गुण फलदायी होगा। और ग्रहों के संयोग को देखते हुए इस बार जो लोग दान करना चाहते हैं उन्हें बता दूं, जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर, गुड़, बर्फी, सफ़ेद वस्त्र, नमक, शरबत, चावल, चांदी का दान करना, ये सभी बहुत शुभ फलदायी है, और धार्मिक पुस्तकों का और फलों का दान भी आपके पुण्य में वृद्धि करने वाला होगा।
इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपको हमेशा कहती हूँ कि जो भी त्यौहार हो, तिथि हो, जल्दी उठें सुबह, और सुबह सुबह उठ करके स्नान दान जप स्वाध्याय ये सभी शुभ फलदायी होते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन जब आप उठ के स्नान करेंगे, तीर्थों के जल में स्नान कर सके तो सर्वश्रेष्ठ है। लॉकडाउन बोल करके नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल काले तिल डाल करके स्नान करें। स्नान करके इस दिन आपको येल्लो कपड़े पहनने चाहिए, पीले रंग के वस्त्र पहने, अपने घर के मुख्य द्वार, अपने पूजा घर की सफाई करके पूरे घर में हल्दी के जल का छिड़काव करें। और फिर मंदिर में आपके पास भगवान विष्णु, लक्ष्मी माँ, कुबेर जी, जिनकी प्रतिमाएं हैं या फोटोज़ हैं, इनको शुद्ध करके गंगा जल से पूजा स्थल पर एक पीले या लाल कपड़े पर स्थापित कर लीजिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की संयुक्त पूजा इस दिन करने का विधान आता है। और भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी को आप उनको स्नान आदि करा के श्रृंगार आदि कर सकते, फूलों की माला पहनाइए, पीले रंग के फूलों की माला, सूर्यमुखी की माला पहनाइए, ये अच्छा है। और भोग आदि लगाएं, धूप दीप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो लोग भी नैवेद्य डालना चाहते हैं उनको बताओ, नैवेद्य जो भोग लगाएंगे उसमें जौ, गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, ये चढ़ाना आज के दिन बहुत शुभ होता है। पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें और तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र आपको ज़रूर चढ़ाना है। और इसके बाद आपको वहाँ बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का, लक्ष्मी सूक्त का, इनका पाठ करना चाहिए। ओम नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये आज का की मंत्र है। इस मंत्र का जप कीजिए और समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले साधक को भूल करके भी आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अलग अलग पूजा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी हैं और एक साथ पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता युग और कलयुग का आरंभ और द्वापर का अंत इसी दिन हुआ था। इसलिए आज के दिन स्वर्ण हो, रजत हो, आभूषण खरीदना हो, वस्त्र हो, नया वाहन लेना हो, गृह प्रवेश करना हो, संपत्ति इत्यादि जैसे कार्यों के लिए ये तिथि विशेष मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन अगर हम भौतिक संसाधन जुटाते हैं तो हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। इस दिन खरीदा गया सोना आने वाली पीढ़ियों के साथ बढ़ता चला जाता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। और इस दिन सूरज की किरणों में बहुत तेज होता है, इसलिए सूर्य का संबंध किससे होता है? सोने से होता है। इसलिए इस दिन सोना खरीदने से शक्ति और ताकत आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ती है। मान्यता है कि ये दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट के सौदे करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो इस दिन ज़रूर कीजिए। और ख़ास कर देखिए, इस दिन जो भी काम करेंगे इसमें बरकत ज़रूर होगी, इसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। और अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका काम का परिणाम भी आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये मुहूर्त अपने कर्मों को भी सही दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दिन आपको कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए विष्णु भगवान की उपासना करके दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। दीन दुखियों की सेवा करना है, वस्त्र का दान करना है, शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया की सार्थकता है। सभी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ दान कर सकते हैं। जल हो, अनाज हो, गन्ना हो, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने हुए पंखे, वस्त्र आदि दान कर सकते हैं। और इस दिन माता अन्नपूर्णा का भी अवतरण दिवस माना जाता है। और इस दिन इसीलिए ज़रूरतमंदों की सेवा करके उनको भोजन कराने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, अपना आशीर्वाद भक्तों पर देती है, जिससे भक्तों का घर धन धान्य से भरा रहता है। अन्न की देवी है और कभी आपके जीवन में अन्न की कमी नहीं होगी। दोस्तों, दान को हम वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से भी जोड़कर देख सकते हैं। सौभाग्य में दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है ये। और इसलिए इस दिन जो भी दान खर्च करते हैं, आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तो उस दिन धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में आपको प्राप्त होता है। और पुनर्जन्म लेकर जब वापस आप धरती पर आते हैं तो उस कोष में जमा धन के कारण ही आपको धरती पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त होते हैं।
लेकिन ध्यान रखना चाहिए, अक्षय तृतीय के पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन कुछ काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहला, क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के भी प्रति अपने दिल में कटुता न रखें, बुराई चुगली आदि ना करें, क्रोध का भाव न रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप आराधना कर रहे हैं, उन्हें अपने घर पर इन्वाइट कर रहे हैं, और जब कोई गेस्ट आता है तो क्या होता है, बहुत स्वीट हो जाते हैं। इस दिन बहुत स्वीट हो जाएं और माता लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए अगर बुरे भाव रहता है रखता है तो माता लक्ष्मी उसके पास नहीं ठहरती है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस दिन सोने की चीज अगर हो सके, अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर खरीदें, नहीं तो कोई भी लक्ष्मी कारक चीजें इस दिन सिद्ध करा के खरीद सकते हैं। हत्ता जोड़ी हुई सियार सिंगी, मैंने बताया हुआ है सियार सिंगी बहुत लकी होता है इस दिन, अगर सिद्ध करवा के इस दिन का सिद्ध किया हुआ अगर आप घर पे लेके आए 88,000 जपों से, और इस दिन अगर आप घर वापस जा रहे हैं कहीं बाहर से तो खाली हाथ ना लौटे। सोना खरीदना संभव नहीं भी हो तो कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार कोई दूसरी धातु से बनी चीज़ आप ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन मैंने पहले भी बताया लक्ष्मी पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी ज़रूर करनी है, और भगवान विष्णु की प्रसाद में तुलसी का उपयोग ज़रूर किया जाता है, प्रसाद में चढ़ाने के लिए तुलसी दल। स्नान करके साफ कपड़े पहनने के बाद ही इस दिन तोड़ने चाहिए, अन्यथा शुभ फलों की जगह अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीय के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान दान ध्यान ये कर्म किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी उनको मना किया करती थी, और मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से ही वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए। इसलिए अगर आप भी अक्षय तृतीय के दिन अक्षय पुण्यों की प्राप्ति चाहते हैं तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके, आगे मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी आपको कौन से उपाय करने हैं अक्षय तृतीय के दिन, धन योग है। सबसे पहले जान लीजिए अक्षय तृतीय के आने के पहले अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए, और जो भी खरीदारी करनी है उसकी तैयारियां कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आने वाले अक्षय तृतीय की तैयारियां हमें शुरू करनी है, और इस बार माता लक्ष्मी का आगमन अपने घर पर ज़रूर बनाना है। जो लोग भी दरिद्रता से परेशान हैं उन्हें विशेष रूप से मैं आगे उपाय बताऊँगी, उनको ज़रूर करना है। इसलिए कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।